दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक शानदार प्रोजेक्ट जो तोता या पुरानी चार्जर से बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो उसको बनाने के लिए हमने क्या करेंगे, एक पुरानी चार्जर लेंगे और इसका जो मेन सर्किट बोर्ड है उसको निकाल कर रखेंगे। जो सर्किट बोर्ड ख़राब नहीं होता उसको हम आज न्यू चार्जर यानी मॉडिफाई करके न्यू बना लेंगे। उसको बनाने के लिए हमने ये पीवीसी पाइप का सीट यूज़ करेंगे। ये सीट का हाइट 6 सेंटीमीटर और लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही 6 पीस लेंगे और क्या करेंगे, जो चार्जर का फ्रेम था उस फ्रेम को हमने 20x20 मिडिल में हैक्सो ब्लेड की मदद से काट देंगे इस तरह से। और जो जो ये चार्जर का पीस वाला हिस्सा है उसको हम पीवीसी पाइप की सीट पर रखेंगे और एक मार्कर से 20x20 ये एक ऐसा होल कर देंगे, यानी यूएसबी का साइज का एक हम यहाँ होल कर देंगे। ठीक है, ये देखो मैंने इसको होल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हिस्सा था चार्जर फ्रेम का उस फ्रेम को हम यहाँ पर सुपर ग्लू की मदद से चिप करेंगे। किस तरह, 20x20 इस तरह सुपर ग्लू की मदद से चिप करेंगे। और हम क्या करेंगे, ये एक SPST स्विच है और इसको हम लगाएंगे और ये सर्किट बोर्ड। तो इसको क्या करेंगे, सुपर ग्लू की मदद से यहाँ से चिप करेंगे ताकि बाद में निकल ना जाए। ठीक है, इस पाइप के ऊपर हमने वो चार्जर का फ्रेम प्रॉपर तरीके से 20x20 शिप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उसका जो बाजू वाला हिस्सा यानी बाहर का फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम बनाने के लिए क्या करेंगे, जो पीवीसी पाइप का सीट था उस सीट को लगाकर सुपर ग्लू की मदद से शिप काटेंगे। ये पहला हुआ, ये दूसरा भी, ये दूसरों को भी हम शिप काटेंगे। ये हम दूसरा, ये तीसरा भी, दूसरा तीसरा, तीनों लगाकर रखा है। अब क्या करेंगे, ये जो सर्किट बोर्ड है इस सर्किट बोर्ड को हम यहाँ पर ऐसे फिक्स करेंगे। ये देखो बहुत अच्छे से फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो बाहर निकल जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पर सुपर ग्लू डाल देंगे और बहुत अच्छे से मजबूत होकर ये ठीक उसी जगह पर ही रहेंगे। ये बहुत अच्छे से चिपक गया। ये देखो, ये हमने इसको रखा कर ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। और हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट पर मेन पावर सप्लाई का वायर सोल्डरिंग कर देंगे, ये प्लस वाला और ये माइनस, यानी मेन में कोई प्लस माइनस नहीं होता, न्यूट्रल और फ्रेश होता है। अब क्या करेंगे, ये जो स्विच थी उस स्विच को यहाँ पर ड्राइंग करेंगे और काट देते हैं। इस स्विच को हमने यहाँ काट कर रेडी कर लिया और लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे फिक्स कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस रेड वाली वायर को बाहर निकाल कर स्विच के साथ सोल्डर कर देंगे। हम स्विच के साथ रेड वाला सोल्डर कर देंगे और स्विच की दूसरी पिन पर हमने मेन का पॉजिटिव यानी फ्रेश वाला वायर सोल्डर कर देंगे। ये हमने रेडी कर रखा है और ये सोल्डरिंग भी कर दिया, यानी स्विच का हमने पूरा काम कर लिया। अब स्विच को लगाने की बारी है।
इसके पहले हम क्या करेंगे, वो निगेटिव वायर था उस मेन का निगेटिव और सर्किट का निगेटिव एक साथ टेप की मदद से सिर्फ लगा कर सोल्डर कर देंगे, ठीक है। अब ये जो निगेटिव वायर था उस पर हम क्या करेंगे, एक टैप लगा देंगे, यानी कोई शॉर्ट सर्किट का ऑप्शन नहीं रहे। इसे हम उस पर टैप बहुत अच्छे से शिफ्ट करेंगे। अब क्या करेंगे हम, ये जो आखिरी वाला पीवीसी का लगाने का बाकी था उसको हम यहाँ से लगा देंगे, और जो नीचे वाला थक्कन है उसके क्या करेंगे, एक जो वायर का टाइप का एक सेट कर लेंगे और बिल्कुल यहाँ से शिफ्ट करेंगे। ये देखने में काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा, तो अब क्या करेंगे हम उसको सीरीज पेपर के मदद से सारों के सारों साइड खींच लेंगे। ये हमने सीरीज पेपर के मदद से बहुत अच्छे से खींच कर लेकर आया है। अब देखो कोई देखने में अच्छा लग रहा है। अब क्या करेंगे, इसको टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट करने के लिए जो हमने पहले एक बोर्ड बनाई थी उस पर ये प्लग लगा लेंगे, और क्या करेंगे, जो ये डिस्को लाइट का मॉडल बनाया था उसको यहाँ पर डाल लेंगे। ये प्रॉपर तरीके से चल रही है, ये देखो इसको हमने पेंट कर कर बहुत अच्छे लुक आ रहा है। अब हम इसको भी टेस्ट करके देखेंगे। तो हमने क्या करेंगे, पहले जैसे यहाँ पर बोर्ड में ये प्लग डाल देंगे और एक मोबाइल टेस्ट करके देखेंगे, यानी चार्ज होता है या नहीं। अब हम इस पर एक मोबाइल टेस्ट करके देखेंगे, ये हमारा रेडमी का मोबाइल है, उसको हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। ये हमने इस पर ये प्लग डाल दिया और क्या करेंगे, ये स्विच ऑन किया, ये देखो कितने अच्छे से चार्ज ले रही है, ये देखो बहुत अच्छे से चार्ज ले रही है। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, ताकि हमने कोई भी वीडियो डाले सबसे पहले आप देखें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।